हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। M.M.S में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं फ्यूज। फ्यूज होता है इस्तेमाल कई चीजों में। मोटरसाइकिल चलाने में भी फ्यूज का इस्तेमाल होता है, बम को उड़ाने के लिए भी और रॉकेट को उड़ाने के लिए भी फ्यूज का इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है। और आज हम बनाने जाएंगे फ्यूज। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बैटरी। ये 12 वाट की है, आपके 12 वाट की वो बैटरी। 9 वाट तक आप कोई सभी चीज बैटरी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हमें 12 वाट चाहिए तो उसके लिए मैंने बैटरी ली है, ये मोटरसाइकिल की। आप मोटरसाइकिल के किसी चीज़ से भी, जैसे कि आपका हॉर्न हुआ उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बाइक है बैटरी नहीं है तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहिए होगा एक तार, कॉपर का तार चाहिए होगा, जिसमें ये कॉपर के लिए हुआ, ठीक है। और चाहिए होगी माचिस। इन तीन चीजों से ही बना दूंगा मैं फ्यूज। अब ये बनाना कैसे है अब ये देखते हैं। और इस्तेमाल करूंगा मैं इस बम में, इस बम की जो बत्ती है वो निकाल दूंगा और फ्यूज की जो वो है वो इसमें डाल दूंगा। फ्यूज की जो बत्ती थी वो इसके अंदर डाल के उसे ब्लास्ट करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे होता है कि नहीं होता। अब यही देखना। ओके, तो शुरू करते हैं इसके कॉपर के हम जो तार है तार को छील लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से। दूसरे वाले को छील लेते हैं। इसको भी छील लिया। एक को ज्यादा छीलना है क्योंकि इसमें से हमें एक तार का इस्तेमाल करना होगा और तारों को पलंग साइड कर दो। कर सकते हो और काट भी सकते हो, ठीक है जी। मगर मैं और इस्तेमाल करूँ, आगे भी इस्तेमाल करूँ तो इसमें मैं पहले इसे एक कोने में कर दे रहा हूँ, ठीक है। और एक तार को लूंगा बस, केवल एक तार को, ठीक है। अब इसको इस वाले तार से मिला के मैं घुमा दे रहा हूँ, इस तरीके से घुमा देंगे, ठीक है। और इसे कर देंगे धक्के से, हो गया, जिसकी वजह से एक तार है। अब ले लिए माचिस। माचिस की तिल्ली लेंगे, ठीक है। इसको इसकी नॉक की वजह से, कॉर्नर की वजह से, यहाँ के कोने की वजह से इसमें छील देंगे, कोना सा बना लेंगे, ठीक है। जैसे नॉक सी बन गई है, देख रही होगी नॉक सी बन गई है। अब इस नॉक पे ही हम ये तार को हम लगा देंगे। अब लगा के ये इस तरीके से, ये ठीक है जी, ये हो गया। अब ले लेना है टेप। इसके लिए सेलो टेप या कोई सी भी टेप ले सकते हैं आप, या तार वाली टेप ले लो। मैं इस टाइम कागज वाली टेप ले रहा हूं। ये कागज वाली टेप ली और ये लगा के ऐसे थोड़ा सा नीचे होके दोनों तार मिल ना पाए ऐसा ध्यान रखना, और इस तरीके से लगा देंगे। ये हो गया फ्यूज तैयार, ठीक है जी। अब इसे इस्तेमाल करके दिखाता हूँ मैं कि चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। ये लग गया फ्यूज, ये रहा। अब ये है बैटरी। एक वाले में एक में तार डाल देंगे, ठीक है। और दूसरे वाले को बस टच करना है। चलो सर, ये हो गया, ये तो हो गया फ्यूज तैयार, ठीक है। अब इस बम के साथ मैं दोबारा से बना के और इसे लगाता हूँ, ठीक है। ऑफ करते हैं धमाका। तो एक बार फ्यूज मैंने तैयार कर दिया है। अब इस बम को की बत्ती हटा देते हैं, ठीक है। अब इस बत्ती की जगह मैं इसे छोड़ देता हूँ, थोड़ा जगह बनानी पड़ रही है इसमें। और ये इसके बाद की जगह मैं ये बार दिया,
ठीक है, अब करते हैं बॉम्ब बिजली से तैयार होने वाला, ठीक है। अब फोड़ने की को फोड़ते हैं, अब जरा लोकेशन चेंज करेंगे, ठीक है। अब मैंने बम को यहाँ रख दिया, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, और इसमें तार थोड़ा लंबा करने के लिए मैंने एक और तार ले लिया और इसमें ये लगा दिया सॉकेट सा, ठीक है, ये लगा दिया। अब इसको लंबा करके ऐसे यहाँ पर, अब बैठ के आराम से हम बम फोड़ेंगे। ये मेरी बैटरी और हो रहा बम, अब आप फूटते हैं, ठीक है, करते हैं धमाका। तो अब करते हैं धमाका, ठीक है। इसके लिए मुझे जो बैटरी है, ये वाली बैटरी, इसके इस वाले पोर्शन में डालना पड़ेगा इसका एक तार, ये डाल दिया, और दूसरे वाले पे लगाना पड़ेगा ये। अब देखते हैं सामने बम है, ठीक है, और देखते हैं फटता नहीं फटता। ओके, 1 2 3 4 5। वाह, इसने तो कर दिया धमाका, ये रहा फ्यूज, देख पा रहे हो फ्यूज, मजेदार था ना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही धूमधड़ाके वाली वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आगे क्या बनाओ कमेंट्स कर देना, और ये फ्यूज समझ में आए तो बता देना, यानी खुल के बताओ कि नया कैसे बनी है वो, और अच्छी तरह समझा सकूं तो बता देना, और कमेंट्स में जरूर बता देना, ठीक है, आगे मिलेंगे, जब तक हैं।